यूट्यूबर बनने के लिए फ्रेंड सिर्फ एक मोबाइल ही काफ़ी है। जी हाँ फ्रेंड, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके पास मोबाइल है तो आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं। सिर्फ एक मोबाइल आपके पास है तो आप समझिए कि आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं। फ्रेंड मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, सिर्फ एक मोबाइल से आप किस तरह से यूट्यूबर बन सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, तो फ्रेंड मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है इमरान अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान जी। फ्रेंड आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और हम आपके लिए इस तरह की यूट्यूब की नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का सपना ये होता है कि वो यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर काम करें, यूट्यूब से पैसे कमाएं और यूट्यूब पर अपना एक पहचान बनाएं। लेकिन फ्रेंड फिर क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि उनके पास एक अच्छा मोबाइल नहीं है, उनके पास एक अच्छा माइक नहीं है, उनके पास एक अच्छा सेटअप नहीं है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो सोचना बंद कर देते हैं यूट्यूब पर आने के लिए, फिर वो दोबारा नहीं सोचते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर वही चीज़ होता है, फिर वो सोचते हैं YouTube पर आने के लिए कि YouTube पर आएं और YouTube पर काम करें, YouTube से पैसे कमाएं। तो फ्रेंड फिर वही चीज़ उनके दिमाग में आ जाता है कि उनके पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, तो वो किस तरह से YouTube पर आएं और अपनी वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड आप YouTube पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सोचना बंद करना पड़ेगा कि हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है। जिस दिन आप ये चीज़ सोचना बंद करेंगे उस दिन आप समझ लीजिए कि आप YouTube पर काम कर सकते हैं और YouTube से पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आप मनोज दे को देख लीजिए, मनोज दे के पास क्या था और आज क्या है। मनोज दे जब वीडियो बनाते थे स्टार्टिंग में तो उनके पास सिर्फ एक मोबाइल था, वो मोबाइल लेके सीढ़ी पे बैठ के, वो बंदा सीढ़ी पे बैठ के वीडियो बनाता था, सीढ़ी पे बैठ के वीडियो बनाया करता था। और सीढ़ी पे बैठ के वीडियो बनाते बनाते आज उसके चैनल पे जाके, मनोज दे के चैनल पे जाके देखेंगे आप तो उनके चैनल पे 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, सिर्फ मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट किया था। अगर जो वो भी आपकी तरह सोचते कि हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, आज वो ये चीज़ सोचते तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। 3 मिलियन सब्सक्राइबर उनके चैनल पर हैं, 3 मिलियन मामूली बात नहीं होती फ्रेंड, 3 मिलियन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप मनोज दे को देख लीजिए किस तरह से वो 0 से लेकर 3 मिलियन तक पहुंचे हैं और उनकी स्टार्टिंग मोबाइल फ़ोन से हुआ था, मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाना वो स्टार्ट किए थे और आज देख लीजिए आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड आप भी YouTube पर आना चाहते हैं तो आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो नहीं है। जब ये चीज़ आप सोचना बंद कर देंगे तो आप फ्रेंड आप YouTube पर आ सकते हैं और YouTube पर काम कर सकते हैं, YouTube पर पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड जब आपका YouTube चैनल ग्रो होने लगे, धीरे धीरे आप YouTube से पैसे कमाने लगे तो आपको जो भी लेना रहे, अच्छा माइक लेना रहे, अच्छा कैमरा लेना रहे, धीरे धीरे करके आप अपना ले सकते हैं। तो फ्रेंड आप पहले अपना चैनल स्टार्ट करिए और काम करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपके पास सब कुछ होने लगेगा। जब आप YouTube से कमाने लगिए पैसा, फिर आप धीरे धीरे लेते रहना। तो फ्रेंड इस तरह से आप एक मोबाइल फ़ोन से अपना YouTube चैनल बनाइए और YouTube पर काम करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप कमाते रहिएगा YouTube से पैसे और धीरे धीरे अच्छा चीज़ जो भी लेना रहे, अच्छा मोबाइल, अच्छा कैमरा जो भी लेना रहे आप फिर ले सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।